वेलकम टू आवर चैनल ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको एक नई वीडियो में एक्सल 100 सीसी में है इसके बारे में बताएंगे। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाए। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर TVS का जो ब्रांड होता है ये बहुत ही माना जाना और विश्वसनीय ब्रांड है। इस जो TVS के ब्रांड है इसको चार कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है मोटरसाइकिल, दूसरी कैटेगरी है स्कूटर, तीसरी कैटेगरी है स्कूटी और चौथी कैटेगरी है मोपेड, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं लेकिन ये बहुत ही विश्वसनीय प्रोडक्ट है। ये सभी लोगों के दिलों में राज करता है और यह बुजुर्ग आदमी भी, लेडीज भी, बच्चा भी, जेंट्स भी, सभी लोगों के लिए आरामदायक है। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह कम से कम 130 किलो से लेकर 150 किलो तक का वज़न आराम से एक दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी जो भार ढोने की क्षमता है, भार उठाने की क्षमता है, वो भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा है। इसकी कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा है और ये इसकी एवरेज भी बहुत ही बढ़िया है, तो ये सभी को पसंद आती है। दोस्तों हम इसके लाइट की बात करें तो जो इसका लाइट का शेप भी हो, गोल शेप में इसकी लाइट हो, इसकी जो हेडलाइट के अंदर जो बल्ब है उसका शेप भी बहुत बढ़िया दिया गया है। इसकी जो LED में अलग से एक LED लाइट भी दी गई है जो फ्रंट LED के लुक को बहुत ही शानदार शेप देते हैं। और जो इसके इंडिकेटर का शेप वो भी बहुत ही ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है। और हम बात करने जा रहे हैं इसके सस्पेंशन की, तो जो इसका सस्पेंशन है फ्रंट फोर्क सस्पेंशन होता है वो भी बहुत ही मजबूत सस्पेंशन दिया गया है। जो इसकी सस्पेंशन की जंपिंग है वो बहुत ही मजबूत है, कोई ब्रेकर आ जाए तो उस पर इतना महसूस नहीं होता। तो हम बात करने जा रहे हैं, देखो ये सस्पेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ और इस पर ये रिफ्लेक्टर भी दिया गया है सस्पेंशन के ऊपर। और हम आपको इसके मिरर क्वालिटी की बात करने जा रहे हैं। मिरर जिसमें दो मिरर दिया गया उसकी जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है और ये सेल्फ स्टार्ट में उपलब्ध होता है और इसमें लेग गार्ड दिया गया है। और उसकी जो फ्यूल टैंक की बात करी जाए तो इसका जो फ्यूल टैंक का शेप है वो भी बहुत बढ़िया दिया गया है और इसमें साइड पट्टी भी दी गई है। इसमें फुटरेस्ट जो रोड है और इसकी जो फुटरेस्ट रबड़ है वो बहुत ही मजबूत दी गई है। अब हम बात करें इसमें जो बैटरी बॉक्स होता है, बैटरी कवर होता है, यानी जिसको हम टूल बॉक्स बोलते हैं, टूल बॉक्स का जो शेप और डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। ETFI में इंजन में उपलब्ध है। पिछला रियर फोर्क भी बहुत ही मजबूत दिया गया है और इसमें बैग हुक के लिए, बैग टांगने के लिए, बैग रखने के लिए इसके लिए बैग हुक भी दिया गया है। और इसके हम पीछे कैरियर की बात करें तो पीछे वाला कैरियर भी लंबा और मजबूत दिया है जो हमें सामान रख के बांधने में काम आता है। और पीछे इंडिकेटर और बैक लाइट की बात करें, जो पिछला इसका जो मडगार्ट है उस पर रिफ्लेक्टर की बात करें, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दिया गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके जो पीछे की साइड से जो इसका जो सारी गार्ड का जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार शेप में इसका डिज़ाइन दिया गया है। पीछे के जो फुटरेस्ट होता है मजबूत फुटरेस्ट दिया गया है इसके अंदर। जो इसकी हम बात करें तो ETFI इंजन में उपलब्ध है यह गाड़ी और ये आई टच स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट के नाम से जाना जाता है। जो हम बात करें इसके जो सीट की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबी सीट दी गई है इसके अंदर। इसमें डबल सीट दिया गया है, जो इसकी सीट होता है जो आगे वाली सीट होती है राइडर की होती है, जो पीछे वाली सीट होती है उसके दो फायदे होते हैं। एक तो पीछे पैसेंजर बैठ भी सकता है और दूसरा सीट को खोलकर इसकी जगह पे हम कम से कम अधिकतम से अधिकतम भार एक दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। देखो हम आपको सीट खोलकर दिखाने जा रहे हैं, ये हमने चाबी लगाकर सीट खोलकर आपको दिखा रहे हैं। देखो इसकी सीट आसानी से खुल जाती है और सीट खुलने के बाद इसका जो सामान रखने की जगह होती है वो खुल जाती है। इस पर हम कम से कम 130 किलो से लेकर 150 किलो तक का वज़न एक दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सक्षम रहते हैं।
सबसे बढ़िया खास बात इसकी यह होती है कि इस पे हम अधिकतम से अधिकतम वजन एक दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और बहुत ही लंबी सीट के हिसाब से इसकी जो सीट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अब हम बात करें फ्रंट साइड से इसका जो डिज़ाइन है, जो ग्राफिक है, वो बहुत ही बढ़िया दिया गया है। और हम इसकी जो क्वालिटी की बात करें और फ्यूल टैंक की बात करें, तो हम अब फ्यूल टैंक को खोल कर दिखाते हैं। जो इसका फ्यूल टैंक का स्पेस होता है वो लगभग 4 लीटर का स्पेस दिया गया है इसके अंदर फ्यूल टैंक का। एक बार फ्यूल टैंक फुल करने पर कम से कम 225 से 250 किलोमीटर की एवरेज देती है। इसकी जो एवरेज क्षमता है वो 65 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा की एवरेज देती है। और इसमें फ्रंट साइड में भी बैग हुक दिया गया है, जो हैंडल के अंदर बैग हुक दिया गया है। और मिरर की क्वालिटी भी अच्छी दी गई है, दोनों साइड की मिरर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और हम बात करें इसके ब्रेक की, कॉम्बी SBT ब्रेक दिया गया है, लाइट का बटन दिया गया, इंडिकेटर स्विच दिया गया है, पासिंग स्विच, इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच। और राइट साइड में बात करें तो इसके सेल्फ स्टार्ट बटन दिया गया है। और हम इसके मीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर हम आपको दिखा रहे हैं, इसका 80 तक की स्पीड दी गई है। ये देखो, ये पेट्रोल का सिग्नल देती है, अगर पेट्रोल कम हो जाता है तो इसमें पेट्रोल सिग्नल देती है। ये इंडिकेटर सिग्नल देती है, लाइट का सिग्नल देती है। ये FI लैंप है, अगर कोई सेंसर में तकनीकी कोई प्रॉब्लम आता है तो ये लाइट जलने लगती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। अब हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखो, ये स्टार्ट हो गई। अब हम इसकी जो लाइट का फोकस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, ये हाई बीम, लो बीम, इसका जो फोकस है बहुत ही बढ़िया फोकस है, जो सभी को, जो ग्राहक होते हैं, जो सभी ग्राहक दुकानदार ग्राहक होते हैं, उन सबको अच्छा लगता है। देखो, हम आपको फ्रंट साइड से इसकी लाइट का जो लुक है वो आपको दिखाते हैं। ये देखो, जो इसका लाइट का लुक है और जो इसकी लाइट की रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा है, अट्रैक्टिव है। अब हम इसका जो नीचे इसकी LED लाइट दी गई है उसको हम आपको जला कर दिखाते हैं। देखो, हम इसको जला रहे हैं अभी लाइट को, देख रहे दोस्तों आप, इसकी जो इसकी नीचे की LED लाइट है वो जल गई है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देते हैं। जब हम नीचे की लाइट को बंद करते हैं तो हेडलाइट जल जाती है। इसके इन्हीं सभी फीचर के कारण यह लोगों के दिलों में राज करती है। और हम इसके सबसे बढ़िया और ख़ास बात बताने जा रहे हैं, तो जो इसकी जो फाइनेंस सुविधा है, TVS क्रेडिट खुद का फाइनेंस करती है। और यह कम से कम इंटरेस्ट और कम से कम ब्याज दर पर फाइनेंस करती है, ज़्यादा लोन अमाउंट का जो फाइनेंस करती है, और कम से कम डाउन पेमेंट में स्कीम प्रोवाइड करवाती है, जो लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और परफेक्ट स्कीम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और किस किस को ये मोपट XL 100, जिसको हम विक्की के नाम से जानते हैं, तो किस किस को ये पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके फ़ीचर के बारे में किसी को और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम उसको और ज़्यादा जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।